सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हैं सीएल टीवीएस एंड आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं जो हमारे पास मतलब कि वन ऑफ द मोस्ट बैड एस लुकिंग मोटरसाइकिल इन 300 सीसी भाई, मतलब कि वो भी टीवीएस के तरफ से आरटीआर 310 सीसी के साथ जो आया हुआ है हमारे पास। कंप्लीट इसका लुक देखोगे ना यार, बम्बल बी टाइप का पूरा जो येलो कलर है ना इसका, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इतना फ्यूचरिस्टिक लुक लग रहा है ना, एंड लिटरली भाई इतना बैड एस मोटरसाइकिल समझ जो जब ये लॉन्च हुआ था तो मतलब कि मेरे को उम्मीद नहीं था कि इस टाइप का प्रॉपर आ जाएगा। एंड फीचर्स भाई, इसके इतने सारे फीचर्स, क्विक शिफ्टर, क्रूज कंट्रोल, कॉर्नरिंग, एबीएस, क्या क्या फीचर इसमें नहीं है। ओवरऑल आप समझ जाओ कि 310 सीसी की नेकेड सीसी में, नेकेड मशीन में वन ऑफ द मोस्ट तबाही सीरीज़ है फ्रॉम टीवीएस। और बाकी तो कंप्लीट इसका लुक वगैरह है ही प्रॉपर। इनफैक्ट अब साइड पैनल्स वगैरह देख लो, इतना मतलब कि एक होता था KTM का ड्यूक जिसको हम लोग मतलब एक एक्सट्रीम मानते थे, बट TVS ने इस वाली को लॉन्च करके उसका एक्सट्रीम लेवल भी तोड़ दिया। आपको USD फोक्स वगैरह मिल जाते हैं कंप्लीट। और बाकी बात करेंगे इसे कंप्लीट रिव्यू की, तो वीडियो को हम लोग का एंड तक देखना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो इसका वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। ये वाली जो मोटरसाइकिल है वो आपके समझ जाओ इंडिया में 3 वेरियंट में प्रेजेंट है और 2 कलर, एक ब्लू एंड एक आपका ब्लैक कलर में। बाकी अगर इसके फीचर्स की बात करें तो भाई बहुत सारे फीचर्स है, लाइक इसमें 5 इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया हुआ है जिसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी है, अलॉन्ग विथ आपका कनेक्टिविटी ऑप्शन फॉर हेलमेट कम्युनिकेशन ऑन डिवाइस एंड ब्लूटूथ एंड मतलब GoPro, तो ब्लूटूथ है। और उसके बाद आपका समझ जाओ कनेक्टिविटी आपका हेलमेट डिवाइस GoPro, इनफैक्ट ये सारे कनेक्टिविटी जो आपके यूज़ में आएंगे। उसके बाद आपको म्यूजिक कंट्रोल, वॉइस असिस्ट, इनकमिंग कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट और आपका कंप्लीट जितने नोटिफिकेशंस होते हैं फ़ोन में वो भी आपको दिखेंगे। और साथ साथ इसमें आप अपने 3 डॉक्यूमेंट लाइक आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, वो इसमें आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद इसमें टर्न बाई टर्न नेविगेशन वगैरह भी है। और बाकी ये जो मॉडल है आपके 5 मोड्स के साथ आता है, ट्रैक, अर्बन, रेन, स्पोर्ट्स एंड सुपर मोटो। और जैसा मैं इसके फीचर्स की बात कर रहा था, लाइक क्रूज कंट्रोल हो गया, कॉर्नरिंग ABS हो गया, कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल, रेयर लिफ्ट ऑफ कंट्रोल, स्लोप डिपेंडेंट कंट्रोल एंड फ्रंट लिफ्ट ऑफ कंट्रोल, मतलब कि इतने सारे फीचर्स इसमें आपके प्रेजेंट है। देख के आपको, आप ही बताओ मेरे को कि क्या आप लोग को उम्मीद है कि इस मोटरसाइकिल में इतना सारा फीचर, मतलब कि एक मोटरसाइकिल में इतना सारा फीचर्स, वो भी 310 सीसी पे, मतलब कि एक हायर सेगमेंट होता है ना, सुपर बाइक सीरीज होती है तो समझ में आता है कि उसमें इतने सारे फीचर्ड होते हैं। लेकिन भाई लिटरली आपके मतलब कि नेक्स्ट डोर TVS शोरूम कहाँ नहीं है भाई, हर डिस्ट्रिक्ट पे आपको मिल जाएगा एंड इनफैक्ट हर जगह यह बाइक अवेलेबल हो सकती है। अगर आप लोग को लेना है तो भाई श्योरली आप TVS शोरूम जाओ। बाकी इसमें 3 कस्टमाइजेबल किट आते हैं अपाची, आप समझ जाओ इस वाले RTR 310 के लिए आपका डायनेमिक किट होता है जिसका अराउंड प्राइस पड़ता है 18,000, जिसमें आपका एडजस्टेबल फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एंड ब्रास कोटेड चेन रहता है। एक होता है आपका डायनेमिक प्रो किट जिसका अराउंड प्राइस है 22,000, जिसमें आपका रेस ट्यून, डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, स्लोप डिपेंडेंट कंट्रोल, रियर लिफ्ट ऑफ कंट्रोल, कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल एंड क्लाइमेट कंट्रोल सीट, मतलब कि इतना आपको फीचर मिल जाएगा आपका डायनेमिक प्रो वाले किट में। उसके बाद एक और हमारा आता है कलर किट जिसका प्राइस टैग अराउंड 10,000 है, उसमें बस सीपैंग ब्लू कलर का कलर ऑप्शन आपको मिल जाएगा जो कि इंस्पायर्ड बाय है मैन्युफैक्चरर्स 40 ईयर्स ऑफ रेसिंग, मतलब कि 40 साल से मतलब उसको इंस्पायर किया गया वो वाले कलर को। तो ये तो हो गया बस इसके जस्ट एक समझ जाओ फीचर्स के रिगार्डिंग। अब इसका प्रैक्टिकल अगर देखेंगे तो फ्रंट कंप्लीट फेस देखो भाई, कंप्लीट आपको प्रॉपर ये जो फेस है ना, इतनी मतलब कि बैड एस फेस लग रही है मेरे को, इंडिकेटर्स वगैरह। और यहाँ पे RTR 310 का मार्क, स्टार्ट करते हैं तो आप इसे कंप्लीट हेडलैम्प वगैरह देख लो भाई साहब, इनका LED का थ्रो काफ़ी तगड़ा रहेगा। उसके बाद आपको USD फोक्स वगैरह मिल जाते हैं एंड साइड से आप यहाँ पे देखोगे तो कंप्लीट डिस्क वगैरह हो गया, आपका ABS रिम वगैरह हो गया, बाइब्री का कैलिपर्स वगैरह आपको दिया हुआ है, आपका डुअल चैनल ABS के साथ ये वाली मशीन आती है। और बाकी तो कंप्लीट इसके टायर्स की बात करें तो 110/70 ZR17 का टायर है। टायर्स की कंपनी आपको मिशलिन का मिल रहा है भाई, लिटरली वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है भाई टायर्स के मामले में। और कंप्लीट फ्रंट फेंडर वगैरह आपको रिफ्लेक्टर्स वगैरह इस साइड में दिख जाएंगे। USD फोक्स जो गोल्डन कलर का है ना, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, नो डाउट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और बाकी तो इसका 41mm का डायमीटर है। इंडिकेटर्स वगैरह दिखाते हैं भाई, कंप्लीट इंडिकेटर आप देख लो
मतलब कि लिटरली ये फ्रंट फेस है ना भाई, दिल चला गया मेरा इसके ऊपर। और साइड फेयरिंग से ओ हो क्या ही नहीं लग, मतलब क्या ही लग रही है भाई। कंप्लीट आप देख लो, सारे टैंक वगैरह का शेप हो गया, एंड उसके बाद चेसी वगैरह कंप्लीट आपको वाइट कलर में दिया गया। एंड इनफैक्ट एग्जॉस्ट वगैरह, ये एग्जॉस्ट तो सेम आपको RR310 टाइप का मिलेगा। और सीट वगैरह भाई लिटरली बहुत ही तगड़ी लग रही है। और ये आपकी E22 OBD2 स्विफ्ट आती है, तो आप यहाँ पे देख लो कंप्लीट। बाकी चलो एक बार आपको मीटर ऑफ करके एंड फिर से ऑन दिखा दो। आप हैंडल देखो, कंप्लीट स्ट्रेट हैंडल आपको दिया हुआ है, और जितने लीवर्स हैं वो सारे आपको एडजस्टेबल दिए हुए हैं दोनों साइड, गियर लीवर एंड ब्रेक लीवर। बाकी यहाँ पे पास लाइट वगैरह हो गया, ये ऑप्शन पर क्रूज कंट्रोल का दिया हुआ है। हज़ार्ड स्विच यहाँ है, देखो मैं वहाँ ढूंढ रहा था, हज़ार्ड इसमें दिया हुआ है। अब बाकी ये आपका स्क्रॉल करो राइट लेफ्ट इंडिकेटर ऑन हो गया। चलो एक बार मीटर स्टार्ट करते हैं, जस्ट आप मीटर देखो, हज़ार्ड देख लो भाई, हज़ार्ड इस पर दिया हुआ है। वेयर योर गियर करके एक आएगा ऑप्शन, उसके बाद आपको ये विजर्स वगैरह लगे हुए, आपको RPM मीटर वगैरह हो गया। सेट में जाके आप यहाँ पे राइड मोड वगैरह देखो, अर्बन रेन स्पोर्ट्स ट्रैक कंप्लीट सुपर मोटो एक मोड हो गया, एंड ट्रिप डिटेल्स वगैरह हो गया कंप्लीट। फिर आप माय व्हीकल में जाके सर्विस परफॉर्मेंस रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह जो आप अपलोड करोगे, और प्रेफरेंस में देखो डायनेमिक हेडलैम्प वगैरह हो गया, DRL वगैरह हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल आप ऑन ऑफ कर सकते हो, क्विक शिफ्टर ऑन ऑफ कर सकते हो। और बाकी कनेक्टिविटी आप देखो, पेयर डिवाइसेस, डिस्प्ले कॉल वगैरह जो मैं आपको बता रहा था, डिस्प्ले सेटअप देख लो, ब्राइटनेस क्लॉक कंप्लीट भाई, कस्टम विजेस आप लगा सकते हो, स्पीड अलर्ट वगैरह लगा सकते हो। तो इन शॉर्ट समझो इतने सारे फीचर्स दिए हुए, आप स्क्रॉल करते रहो भाई इसमें, इसी में आप समझो बिजी रह जाओगे भाई बाइक चलाने से ज़्यादा। चलो और बाकी तो क्रूज़ कंट्रोल आप यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो, प्लेस ब्रेक क्लच टू इनेबल क्रूज़ कंट्रोल, और यहाँ से आप क्रूज़ कंट्रोल वगैरह लगाओ। और चलो एक बार बाइक को स्टार्ट करके एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं। भाई तगड़ा, पूरा रेस ट्यून टाइप का एग्जॉस्ट नोट इसका लग रहा है। एग्जॉस्ट नोट बहुत तगड़ा है इसके स्टॉक में, नो डाउट। मेरे को लगा था एक टाइम के लिए कि जैसा एग्जॉस्ट नोट आपका RR310 वगैरह का आता उस टाइप का आएगा, बट नहीं, इसका थोड़ा सा ट्यून टाइप का साउंड आ रहा है हमें। थोड़े बहुत इसके ब्रेकिंग्स वगैरह की बात कर लेते हैं, तो फ्रंट डिस्क आपको अराउंड 300 mm का मिल रहा है, एंड आपका रियर डिस्क है वो आपको 240 mm का मिल रहा है, जबकि दोनों में आपके ABS मौजूद है। रियर में भी आप देख सकते हो कंप्लीट, एंड वाइब्रेकर कैलिपर्स वगैरह हो गया। बाकी अलॉय कलर्स वगैरह जो आपको कंप्लीट रियर के येलो एंड आगे के जो ब्लैक है ना, आई लव दिस कॉम्बिनेशन मैन, बहुत ही तगड़ा कॉम्बिनेशन है। रियर में भी आपको मिशलेन का टायर 150/60 ZR17 का, और बाकी टेल सेगमेंट, टेल लाइट एंड फ्रंट हेडलाइट तो आप लोग देखें। एक बार टेल लाइट भी आपको ऑन करके दिखा देते, कंप्लीट हज़ार्ड ऑन करके दिखाते हैं भाई। चलो ये इसका टेल लाइट कंप्लीट देखो यार, एंड लिटरली जो मोनोशॉक सस्पेंशन रेयर में ना, तो ये जो व्यू आ रहा है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप इसे हटा दोगे, हालांकि इसे हटाने के लिए थोड़ा सा झमेला होगा क्योंकि भाई इंडिकेटर वगैरह का सारा कनेक्शन आपको दिया हुआ है, तो लुक बहुत ही खूबसूरत आने वाला है, नो डाउट। कंप्लीट आप यहां से देख लो, और साड़ी केस छोटा सा एक, रियर का फुटपैक हो गया, फ्रंट का फुटपैक हो गया, सारे आपके समझ जाओ क्विक शिफ्टर वगैरह का सिस्टम कंप्लीट वहाँ पे लगा हुआ, साइड स्टैंड। और बाकी तो इस साइड से अगर आप देखोगे तो कंप्लीट बैंड पाइप इनका देखो भाई, ये बैंड पाइप प्रॉपर मेरे को RR310 जैसा लग रहा है, लेकिन बाइक पूरी जो है ना वो RR310 से ज़्यादा तगड़ी है, क्योंकि एक तो नेकेड सेगमेंट में एंड बहुत सारे फीचर, लिटरली बहुत सारे फीचर्स के साथ आई हुई है। सो अब इंजन की बात करते तो अराउंड 312.12 cc का इंजन है, सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक लिक्विड कूल। पावर की बात करें तो 35.6 PS का पावर एंड 28.7 Nm का टॉर्क हमें मिलता है। 11 लीटर्स का टैंक कैपेसिटी एंड टैंक डायमेंशन कंप्लीट आप लोग तो देखें, टैंक डिज़ाइन वगैरह देखें कितना तगड़ा लग रहा है। माइलेज की बात करें तो अराउंड 35 कंपनी क्लेम करती है। बाकी तो इसमें स्विचेबल ABS वगैरह भी आपको दिया हुआ है, मोबाइल कनेक्टिविटी जो इसका है वो वायर्ड आपको दिया गया है, स्मार्ट एक्स कनेक्ट वगैरह भी है। और बाकी तो हम लोगों ने सारे फीचर्स आपको बताए, और इसके थोड़े बहुत डायमेंशंस की अगर बात करें तो अराउंड आपका 800 mm का सैडल हाइट, 180 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस एंड 169 kg की अराउंड इसकी वेट है। बाकी तो कंप्लीट इसका बहुत ही तगड़ा लुक, बहुत ही तगड़ा कंप्लीट बैडेस लुक तो दिया हुआ है, मतलब एक समझ जाओ एक बार में ये बाइक पसंद आएगी हमारे जैसे लॉन्डो को। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना
क्या आप लोगों को ये वाली मशीन कैसी लगी? अराउंड अराउंड इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करें तो अराउंड अराउंड 3,07,000 के अराउंड अराउंड है। बाकी अगर आप लोगों को कंप्लीट प्रॉपर इसका प्राइस वगैरह जानना है तो आप लोग CLTVS कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाइक इन शॉर्ट मैं बोलूँगा, जब फोटोज़ वगैरह में देखा था ना तो मतलब कि तगड़ी तो लगी थी और ख़तरनाक तो लगी थी, बट जब सामने से देख रहा हूँ इसके भाई डिटेल्स में जा रहा हूँ, इसके फीचर्स वगैरह में जा रहा हूँ, इसके सारे स्पेक्स वगैरह में जा रहा हूँ, तो लिटरली लग रहा है भाई ऐसी मशीन अपनी गैराज में होनी चाहिए। बाकी कंप्लीट इसका आप लोग इधर देखोगे तो DOSC रिवर्स इंक्लाइंड इंजन वगैरह, स्लीपर क्लच वगैरह मिल रहा है, क्विक शिफ्टर वगैरह मिल रहा है, मतलब इतना फीचर आपको बहुत ही कम मशीन में मिलेगा भाई, RTR 310 वगैरह। और एक चीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, एक क्वेश्चन मैं आप लोग को डाल रहा हूँ, Duke 390 और दिस वन, तो आप लोगों को कौन सा तगड़ा लगता है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा भाई, अगर वीडियो पसंद आया हमारा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ, इन्जॉय, एंड चलो बाय बाय। और हाँ बताना भाई कैसा लगा ये वाला भाई, चलो बाय।